हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेके चलेंगे नेशनल म्यूजियम, जो कि जनपथ न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या 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 पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आइए आज इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये पुराने समय का लकड़ियों से बना हुआ रथ है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये देखिए कैसा है कैसा नहीं है। तो ये रथ दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य से लाया गया है, और इस पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी नक्काशियाँ बनाई हुई हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो चलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और यह जो ऋषि की प्रतिमा रखी हुई है, यह चोल समाज के 11वीं सदी की है, जिसको तमिलनाडु से लाया गया है। तो ये भी देख सकते हैं आप। तो फिर आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था उस रथ के बारे में, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग को पता चल सके इसलिए हमने इसको भी कैप्चर किया। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। यह चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है, जो कि चार दिशा में बनी हुई है, हमने इसको भी कैप्चर किया, आप देख सकते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये भी मूर्ति रखी हुई थी, और ये तो जिनको जानते हैं गणेश भगवान की मूर्ति थी, ये कोई माता जी थी उनकी मूर्ति थी। हम उस पार नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने दूर से कैप्चर किया, फिर भी आपको बताएंगे। ये तो नटराज जी की मूर्ति है, देख सकते हैं आप। तो आइए फिर आगे चलते हैं और आपको और चीज़ें डिटेल में दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो आइए अब अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, और इसका बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और मंडे को ये ऑफ रहता है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, भगवान बुद्ध जी का शिष्य रखा हुआ है, और ये जो है ये भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है, ये भी देख सकते हैं आप। तो फिर आइए अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये ऑडिटोरियम है, इसके अंदर थिएटर चल रहा है। इसके अंदर बताया जा रहा था कि कौन सी चीज़ें कब पाई गई थी और कहां से पाई गई थी, तो इसको भी थोड़ा बहुत हमने कैप्चर किया। फिर आइए हम आगे चलते हैं और आपको और चीज़ें का। तो देखिए, ये सांची स्तूप के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमने इसको भी कैप्चर किया, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि म्यूजियम में स्थित हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, पत्थर पे नक्काशी की गई है, जो कि पुराने समय के बारे में बताता है। तो हमने इसको भी कैप्चर किया, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, ये होलो काम चल रहा था, जो ऋषि मुनि के बारे में टोटल डिटेल में बता रहा था कि कैसे क्या था उस समय। तो हमने उसका भी कैप्चर किया और आगे बढ़ते हैं। और ये सब देखिए, ये सब पुराने समय की मूर्तियाँ रखी हुई हैं।
देखिए, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए यहाँ ब्लाइंड लैंग्वेज भी मौजूद थी। उनको टच करा के बताया जा रहा था कि ये क्या चीज़ है और किस सदी की है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए ये इजिप्ट देश की ममीज हैं, हमने इनको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। उसको देखिए, जो देख नहीं पाते उनको ऐसे ही टच करा के महसूस कराया जाता है। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए पुराने समय का खंजर वगैरह रखा हुआ था, चाकू वगैरह रखा हुआ था, तो उसको कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हाथी के दांत और सफ़ेद पत्थरों को मिलाकर बनाया हुआ धातु है, ये भी देख सकते हैं आप। फिर आइए आगे चलते हैं। ये सब देखिए, सब हाथी के दांत और पत्थर से की गई नक्काशियाँ हैं। उस समय के ये बर्तन थे जो इस्तेमाल किए जाते थे। इन सब चीज़ों का उपयोग केवल राजा महाराजा ही कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती थी। तो ये देखिए, ये पालकी है पुराने समय की, ये भी देख सकते हैं आप। फिर चलिए आगे देखते जाइए और समझते जाइए कि क्या है। तो ये देखिए, सब अष्ट धातु से मिलाकर मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो भी यहाँ पर रखी हुई थी। और ये जो विष्णु भगवान थे, ये हाथी के दांत और सफ़ेद पत्थर से बनाए गए थे। हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ईसा मसीह जी की मूर्ति रखी हुई है, तो ये भी देख सकते हैं, हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर आगे चलते हैं। और ये जो थे उस समय के राजा थे, ये उनका मेडल वगैरह रखा है, जो जीते थे उनकी मुहरें वगैरह रखी हैं, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तो ये देखिए, ये सिंहासन रखा हुआ था, और ये जो हाथी के दांत का ये महल था, और ये उस समय का ये लट्टू वगैरह था, मूर्ति वगैरह था, और ये उस समय के ज़माने का सिक्का वगैरह था जो चल रहा था। तो हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, सब पासा है, मोहरे, ये सब खेल खेल में इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों ये देखिए, ये शतरंज था जो उस समय राजा खेलते उलते थे, और ये उस समय का बर्तन वगैरह रखा हुआ था, ये भी देख सकते हैं आप। ये राजा का खंजर वगैरह, तवा, चम्मच, मतलब सारी चीज़ें डिटेल में रखी हुई थी, बस समझना था। ये देखिए, हुक्का था वगैरह था। तो देखिए, ये पत्थर का बना हुआ प्लेट रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ वही है। तो ये सब बर्तनों से राजा उस समय में खाना खाया करते थे। तो ये हर एक राज्य का बर्तन है, जो कि अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पे रखा गया है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं, धातु की मूर्तियाँ, और ये राजा का सिंहासन। हमने इसको भी कैप्चर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंहासन है ना, ये चांदी का पूरा बना हुआ है, हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम वीडियो बना रहे थे, तो ये पुलिस वाले अंकल मना कर रहे थे कि ओनली फ़ोटो खींचना अलाउ है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट फिर भी हमने छोटी छोटे वीडियो बना ही लिया। तो आइए फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये सब राजा का क्रीम पाउडर रखा हुआ था, काजल वगैरह, ये बर्तन, सुराही वगैरह, सब कुछ मतलब टोटल रखा हुआ था। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चांदी की बनी हुई हैं, जो कि उस समय की चांदी को पिघला करके इसका निर्माण कराया गया है। तो देखिए, ये चांदी का गेट बना हुआ है, इसके अंदर मंदिर है छोटा सा, ये भी देख सकते हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये उस समय के ज़माने का संदूक है,
और इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो राजा को भेंट में मिलती थी और कुछ जो थे वो राजा खुद बनवाया करते थे अपने शौक के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, सारा हुक्का वगैरह है उस समय के ज़माने का। तो आइए फिर आगे चलते हैं। यह जो संदूक है वो सिंगारदान है। ये देखिए, ये हाथी पे सवार होकर उस समय के राजा लोग ऐसे ही जाते थे, जो कि चांदी में बना करके राजा को भेंट की हुई चीज़ें हैं वो रखी हुई थी। तो आइए हमने इसको भी कैप्चर किया। और ये देखिए, ये घोड़ा भी था। तो दोस्तों देखिए, ये सारा म्यूजियम है, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो देखिए, ये लकड़ी पे बनी हुई चित्रकारी है, ये लकड़ी का हुक्का है, सारा चीज बना हुआ था डिटेल में। ये सारे उस समय चांदी के बर्तन हुआ करते थे, तवा हुआ करता था और भी सारी चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये चांदी का बना हुआ पंछी है, इसको भी देख सकते हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये अलग अलग पुराने समय की भाषाएं लिखी हुई हैं, किस समय में कौन सी भाषा हुआ करती थी, हमने इसको भी कैप्चर किया, आप देख सकते हैं। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी मतलब राज्य हैं वहाँ सारे राज्यों की भाषा इसमें दी हुई है, समझने वाले जो हैं वो इससे भी समझ सकते हैं। आप देखिए फिर आगे चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये लकड़ी पे नक्काशी कर रहे थे, तो इनका भी फोटो मतलब बना के लगाया हुआ था ताकि लोगों को पता चल सके। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सब राजाओं का चित्र बना हुआ था, कौन से समय में कौन से राजा कार्य करते थे, उनका शासनकाल और उनका फोटो दिया हुआ था। तो हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये सब देखिए, सब रानियों के फोटो लगे हुए थे, तो राजा के दिखाए थे मैंने, ये रानियों के लगे हुए थे। फिर चलिए हम देखते देखते बाहर निकलते हैं। ये सब देखिए, ये उस समय के समय का ये मुहर हुआ करता था और ये सिक्का हुआ करता था, जो कि उस समय के दौरान यही चलता था। जैसे अगर हम लोग के पैसा चलता है उस समय ये मोहरे चलते थे, और ये सारा पासा रखा हुआ है जिसको राजा लोग खेलते थे। अभी के समय में तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन पहले के समय में इसी पे खेल होता था। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, राजाओं की ढाल और तलवार रखी हुई है संभाल के, हमने इसको भी कैप्चर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रॉकेट है जो उस समय के राजा और रानी का बना हुआ था, तो हमने उसको भी कैप्चर किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये इंडिया के जो फेवरेट हैं जो अब नहीं हैं, उनका फ़ोटो और उनका नाम लिख के रखा हुआ था ताकि लोगों को पता चल सके। चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको जो दिखाएंगे वो सारा फ़ोटो में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ताकि ये सब जो चीज़ें रखी हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और महंगी और पुराने समय की हैं, तो सिक्योरिटी को मद्दे आगे आपको ये स्क्रीन निकलने के बाद जो हम दिखाएंगे वो सारा वीडियो में ही दिखाएंगे। तो फिलहाल में आप ये देखिए और समझिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो मूर्तियाँ रखी हुई है सारी पीतल की है, और ये बुद्ध जी की मूर्ति थी जो हमने आपको दिखाया। ये भी देखिए, ये भी बुद्ध जी हैं और ये नटराज जी हैं, इनकी मूर्ति रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये मूर्तियाँ जितनी भी रखी हुई हैं सब पीतल की बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मूर्तियाँ हैं सारा बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मूर्ति देखते हुए ही निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा है और हमें काफ़ी ज़्यादा घूमना है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये बकरी समाज के देवता की मूर्ति है, हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, ये सब खुदाई के दौरान मिली हुई थी, तो इनको बहुत संभाल के रखा हुआ था। कितनों पे तो हल्की फुल्की मिट्टी भी लगी हुई थी। तो आइए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो मूर्तियां सारी रखी हुई हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी की हैं। तो आप देखिए और हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ भगवान बुद्ध जी की रखी हुई थी, और बाकी सब तो ऐसे ही था नॉर्मल। तो हमने इसको भी सारा कैप्चर किया टोटल A to Z। तो आप पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, उस समय का सुराही था, मटका था, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। और ये लॉफिंग बुद्धा जी थे, उनको भी कैप्चर किया। और ये पत्थर पे बनी हुई ये चीज़ें हैं, सब खुदाई के दौरान मिली थी, तो बहुत संभाल के रखी हुई थी। तो आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये किसी राजा का निकाला हुआ कंकाल है जो कि कब्र में पड़ा हुआ था, उसको निकाल के यहाँ रखा गया है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, कुम्हार के द्वारा उस समय का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन वगैरह है, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो
दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें यहीं से मिली थी खुदाई के दौरान, यहाँ का भी फ़ोटो रखा हुआ है, यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी वहाँ का फ़ोटो लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए जो उस समय के राजा लोग जो कपड़ा पहनते थे वो जानवरों की खाल से बनता था, तो उसी कपड़े का थोड़ा थोड़ा पीस काट के रखा हुआ था ताकि लोगों को पता चल सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लोहार के बनाए हुए सारे औजार वगैरह रखे हुए थे, खंजर वगैरह और ये नाखून वगैरह रखे हुए थे, उन्होंने सारा चीज़ कैप्चर किया, वो आप देखते जाइए। ये सब देखिए औषधियाँ बनाने का औजार, सिलबट्टा वगैरह और ये बर्तन वगैरह मिट्टी के, तो आप देख सकते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं यहीं पर ये समाज रहता था जो कि इन चीज़ों को बनाया करते थे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जानवरों की हड्डियों से बने हुए ये माला वगैरह थे, हाथी के दांत से बने हुए माला थे, कुछ लकड़ी के बने हुए माला थे, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए छोटे बच्चे जो होते थे उनके ये खिलौने हुआ करते थे जो कि पत्थर और एवं मिट्टी से बने हुए थे, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भंडारण जार है, जो जैसे अभी हम लोग सामान संदूक वगैरह में रखते थे तो उस समय ये मिट्टी के जार में रखा जाता था, तो इस ये भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए धौलावीर का हंडी नगर है, दोस्तों देखिए ये चित्र बनाया हुआ था, कौन सा सामान कहाँ से मिला था, हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लोहे के बर्तन हैं जो उस समय के वहाँ के जो नगरवासी थे वो यूज करते थे, ये सील बट्टा है उस समय का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कौन से समय में कौन से सिक्के चलते थे। तो ये देखिए ये ब्रिटिश कम समय का सिक्का था, ये संदेश वाहन के सिक्के थे। इस शासनकाल में जो सिक्के चलते थे उनका मेंशन किया हुआ है, तो आइए ये देखिए। तो देखिए उस समय लोग ऐसे सिक्के देके सामान ले जाया करते थे, हमने इसको भी कैप्चर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए ये विजय नगर के सिक्के हैं जो उस शासनकाल में ऐसे सिक्के चलते थे, देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी शताब्दी से लेके अभी तक जो भी सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है वो सारे सिक्के यहाँ पे रखे हुए थे, तो आप देख सकते हैं सबके नाम लिखे हुए हैं और सिक्का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हर राजा अपना एक सिक्का बनाता था अपनी पहचान के लिए। आइए अब देखते हैं सिक्का बनता कैसे था। ये देखिए दोस्तों ऐसे सिक्का का निर्माण किया जाता था, उस समय के लोग सिक्का ऐसे बनाते थे, तो ये भी देख सकते हैं आप। उस समय सिक्के वजन से मिला करते थे, अभी के समय तो गिनती से दिया जाता है, बट उस समय के वजन से तराजू से तौल करके फिर सिक्के दिया जाता था।
ये देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है कि कैसे बनता था और ये कैसे तौलते थे। देखिए दोस्तों देखिए ये उत्तर पूर्वी राज्यों के सिक्के हैं, इनको भी देख सकते हैं आप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अलग अलग समय में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सिक्का बनाया करते थे। तो ये देखिए ये कुछ लोग लोहा पिघला करके सिक्का ऐसे उसमें डाल करके सिक्का ऐसे बनता था, तो ये भी देख सकते हैं आप। ये भी होता था प्रोसेस सिक्का बनाने का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं सारे, और ये देखिए ये दिल्ली सल्तनत के हैं सिक्के, तो दिल्ली में ऐसे सिक्के चलते थे उस समय। के बाद कुछ लोग बर्तन को पिघला करके भी सिक्कों का निर्माण किया करते थे, तो उनका भी ये चित्र दिया हुआ है, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिक्का बनाने की विधि लिखी हुई है फोटो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि हर एक समाज अपना सिक्का कैसे बनाया करता था, तो उसके बारे में इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे रानी विक्टोरिया उसकी फोटो लगी थी, उनके शासन में जो जो राजा थे उनकी फोटो लगी हुई थी, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। फिर चलिए आगे चलते हैं। गाइस देख सकते हैं ये पुराने समय की सारी चीज़ें रखी हुई है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, हमने सिर्फ कैप्चर कर लिया ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कपड़ों पे डिज़ाइन बनाई गई है, जो कि हाथों से बनाई गई है, तो ये भी देख सकते हैं आप। चलिए फिर आगे चलते हैं।
राजा लोग इस पे नक्काशी करवा के अपने पास रखते थे दरबार में ताकि अच्छा लग सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये सारा ईसा मसीह का समाज है, ये भी देख सकते हैं आप और उनके बारे में पूरी जानकारी। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए उस समय का समाज हुआ करता था जो ये चीज़ें बनाया करता था, तो ये देखिए इनकी बनाई हुई ये सारी चीज़ें हैं, पुतला वगैरह, ये बेडशीट वगैरह, उसके बाद ये माला वगैरह, गहना वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने ही बनाई, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनके शासनकाल की रानी का ये मुकुट है और ये सारे मुखौटे वगैरह हैं जो कि जानवरों की खाल से बनाए हुए हैं, कुछ जानवरों के फेस से बनाए हुए हैं, उनका फोटो सहित और ये मुखौटे वगैरह से टोटल रखे हुए थे ताकि लोगों को पता चल सके। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए ये बांस के बनाए हुए कपड़े हैं, ये भी देख सकते हैं, ये मुकुट वगैरह है, तो आप देखिए टोटल डिटेल में टोपी वगैरह सब कुछ मतलब बना हुआ है। तो देखिए कपड़े वगैरह ये लोग ऐसे ही बनाते थे, तो इसका फोटो टोटल मेंशन किया हुआ है और ये चीज़ें भी ये बना करते थे। समय जो अभी भी जो कबीले वाले होते हैं ना, वैसे ही चीज़ें बनाया करते हैं और ऐसे ही जीवन जीते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने ही बनाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये होती थी उनकी वेशभूषा वगैरह, और ये उनके कपड़े वगैरह, और ये उनके बनाए हुए औजार वगैरह, मतलब सारी चीज़ें। और देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सारे संगीत के साज बाज हैं, उस समय के ज़माने में संगीत के ऐसे ऐसे साज होते थे जो कि हम देख नहीं पाए आज तक। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि उस समय के समय में क्या क्या संगीत के साधन रखे थे। तो चलिए हम आगे से बढ़ते हुए आपको संगीत के सारे सामान दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये लकड़ियों पर बनी हुई कलाकारी वगैरह है, चेयर वगैरह है, सारा चीज़ है। तो ये देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उस समय के जो गाने बजाने वाले साधन हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे, तो ये भी रखे हुए थे। ये तमरू वगैरह है देख सकते हैं, ये ढोलक वगैरह है, तबला वगैरह है, सब देख सकते हैं। टोटल चीज़ें रखी हुई हैं उस समय के सदी से लेके अभी तक के, ये नगाड़े बैंड बाजा वगैरह, ये देखिए ये बैंड बाजा है, ये उस समय का गिटार है, गिटारी वगैरह है, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और लेकर आएँ।
और ऐतिहासिक चीज़ें आपके पास लाएं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस समय से लेकर अभी के समय तक की अरमिया वगैरह सारा चीज़ है। तो ये देखिए, ये गीता है जो माता सरस्वती गीत बजाती हैं, और पहले के समय में लोग ऐसे बजाते थे। कोई कोई जो पुराना गाना होगा उसमें कहीं नई वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उस समय के सारे गीता वगैरह के संगीत वगैरह की आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सरस्वती माता जी हैं जो गीता बजा रही हैं, आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी जगह वीडियो बनाने, और आपको फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर के।